वीसी सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आपको ये इवेंट कैसा लगा? ये इवेंट बहुत एजुकेशनल है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स में बहुत कम हो गया है। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये है कि हम लोग एक बच्चे को ब्रेड्थ देना चाहते हैं। एक लॉ का बच्चा जब यहाँ आएगा तो देखेगा कि कंप्यूटर साइंस की बुक्स लॉ के साथ कैसे रिलेटेड हैं, लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, अपडेटेड लॉ की बुक क्या हैं। और इस तरह से अलग अलग फील्ड में भी हम पाते हैं कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ अपने छोटे से डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, बट ही शुड बी एबल टू गेट वेरी कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर फील्ड। किताब को पढ़ना, किताब से समझना मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसकी लॉन्गेविटी, जिसका जो दिमाग में रहता है बहुत लॉन्ग टाइम पर रहता है, एज़ कम्पेयर टू जो आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से कुछ नॉलेज हासिल करेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो नॉलेज आपको किताबों से मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने ये देखा कि लेटेस्ट एडिशंस किताबों की, जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी, और अपने से मेन टेक्स्ट बुक से हट के थोड़ी सी और किताबें वो देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एग्जीबिशन। चाहे वो ये चीज़ चाहे लाइब्रेरी में भी अगर अवेलेबल हो तो वो शायद इधर से उधर ना जाएं, सिर्फ अपने शेल्फ तक सीमित रह जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जीबिशन के माध्यम से वो देख रहे हैं। और इस बार कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी अभी जैसे शुरुआत में देखा गया कि काफ़ी बच्चे हर स्टॉल पे जा रहे हैं, तो आई एम श्योर पिछली बार से तो अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और शोकेसिंग ऑफ बुक्स भी बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग अब कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी आ गई है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स अब हमें काफ़ी अच्छे जॉब ओरिएंटेड काम करने चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, ताकि बच्चों जल्दी से जल्दी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जाए और इंडिपेंडेंट बने। तो वो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। नॉलेज इज नेवर कम्प्लीट, ये तो एवर एंडिंग प्रोसेस है। और जितना भी आप पढ़ें, जितना भी आप लिखें, जितना भी आप समझें, तो मेरे ख्याल में हर एक के लिए ज़रूरी है। जब तक हम लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हम सिखा नहीं पाएंगे, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो। सो लर्निंग बाय डूइंग जो कहा जाता है, जिसको हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग बोलते हैं। और आजकल तो इतने डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग में, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग तो बुक से ही हो पाएगी, तो ये एक बढ़ावा रहेगा इस एग्जीबिशन के माध्यम से कि हम अपने बच्चों को एक्टिव लर्निंग में एंगेज करें। एंड ऑल्सो बहुत सारी बुक्स को भी देखना कि कौन सी बुक्स हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स का को भी अवेयर होना आज के टाइम पे, जब बच्चे बुक्स लेना नहीं चाहते, सबको पीडीएफ फाइल्स और ई बुक्स चाहिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक ये होना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे हो रहा है और हमें स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। आज काफ़ी मात्रा में बच्चे आए भी हैं, अलग अलग पब्लिशर्स की वो विजिट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जैसे हमें हमेशा लगता है कि डिजिटल एज में किताबों का महत्व कम ना हो जाए, क्योंकि हम थोड़े से पुराने ज़माने के हो गए शायद, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रियल बुक इज़ रियल बुक।